हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे और ये सारे जो भी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही होंगे अगर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल में एडमिशन चाहते हैं। तो ये मेनली हमारा क्या है कि पैरामेडिकल का फॉर्म आता है यूपी में, ठीक है, यानी हर स्टेट में निकलता है लेकिन यूपी में upsmfse.org के द्वारा क्या होता है कि फॉर्म निकलता है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए मेनली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मेनली आपको एक आधार कार्ड लेना होगा, ठीक है, अपना आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लीजिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, पहचान पत्र जिसे कहते हैं, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका जो पास्ट ईयर मार्कशीट यानी पिछले साल अगर आप 10+2 किए हुए हैं तो 10th का, 12th का मार्कशीट, तो अगर आप 12th पास है तो 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी मार्कशीट आपको लेके जाना है, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड भी लेके जाना है यानी पेरेंट्स का आधार कार्ड भी लेना है। फॉर यूजी कोर्स 10+2 मार्कशीट फ्रॉम साइंस फील्ड, यानी यूजी कोर्स करना है तो आपको क्या होगा कि साइंस से आप 10+2 पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास साइंस स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास साइंस से किए हैं 11th 12th तो ठीक है, आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो उसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है, मैथ एक्स्ट्रा में हो और बायोलॉजी हो तो आप जो हैं ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मेसी वगैरह के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो कुछ कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो है कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और तो ये जो यूजी कोर्स है उसके लिए आपके पास 10th का 12th का मार्कशीट होना चाहिए और वो भी किस फील्ड से, तो साइंस से होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से करते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फॉर पीजी कोर्स ग्रेजुएशन मार्कशीट फ्रॉम साइंस फील्ड। अगर आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, वो भी किससे, तो साइंस फील्ड से, यानी साइंस स्ट्रीम से आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैटेगरी वाइज ही यहाँ पे क्या होता है कि एडमिशन मिलता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड होते हैं जो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा छूट मिलता है, थोड़ा कट ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको देखकर, आपके कैटेगरी को देखकर आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए यानी कि आपका जो है किस जगह पे आप रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ में आपका वोटर आईडी भी आप ले सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी आपका एड्रेस प्रूफ ही है एक तरह का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें नीड नहीं है, आपका वोटर कार्ड है, वोटर आईडी है तो आपका उससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है एड्रेस प्रूफ भी अपना लेके जाना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना होगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिए दो। तो यही सब मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो आजकल तो सब चीज़ का डिजिटल इंडिया हो गया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप ले जाइए और जो है आप अपने एक साइन कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आपका आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा और आप इसके बाद जो है अपना अलॉटमेंट लेटर, च्वाइस लॉकिंग वगैरह जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपका जो है इसके बाद फॉर्म भर लेंगे तो कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो है च्वाइस लॉकिंग के लिए आएगा, च्वाइस लॉकिंग के बाद अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपका जो है काउंसलिंग का डेट आएगा और फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ ऑफलाइन होती है, तो इसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होता है और फिर एडमिशन होता है और उसके बाद आप जिस कॉलेज में अलॉट होते हैं वहाँ आपको जाके काउंसलिंग करवाना होता है और वहाँ पर फिर आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं आराम से।
तो पैरामेडिकल कोर्स की सारी डिटेल्स मेरे वीडियो पे अपलोडेड हैं। पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, जो भी पढ़ाई आपको करनी है, वो सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से अपनी सारी तैयारियां आराम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और सारे बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो इसी तरह से अब वीडियो को एंड करते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू एंड बाय। अपना ध्यान रखिए, बाय।